आईपीएल ऑक्शन टेबल 2024 के लिए सभी टीमें अपनी अपनी रणनीतियों की तैयारियों में जुट चुकी हैं। अभी अपने पिछले दो वीडियो में हमने सीएसके और आरसीबी की रणनीतियों पर गौर फरमाया कि वो क्या क्या रणनीति अपनाने वाली है और किन किन खिलाड़ियों पर दाव खेलने वाली है आईपीएल ऑक्शन टेबल पर, यानी कि 19 दिसंबर को जो खिलाड़ियों की मंडी सजने वाली है दुबई में, वहां पर सीएसके किन खिलाड़ियों पर दाव चल सकती है, आरसीबी किन खिलाड़ियों को अपने नाम करने का प्रयास कर सकती है, ये हमने अपने पिछले दो वीडियो में देख लिया है। अपने इस तीसरे वीडियो में ऑक्शन टेबल के हम देखने वाले हैं कि मुंबई इंडियंस किन खिलाड़ियों को अपने नाम करने वाली है ऑक्शन टेबल पर, मतलब किन खिलाड़ियों के ऊपर दाव वो चलेंगे, वो उनके नाम हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे तो ऑक्शन टेबल के दिन ही पता चलेगा कि किन किन खिलाड़ियों को अपने नाम करने वाले हैं। लेकिन क्या रणनीति रहने वाली है उस पर हम गौर करेंगे, किन खिलाड़ियों पर ये अधिक से अधिक दाव खेलते हुए दिखेंगे और क्यों खेलते हुए दिखेंगे, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। और देखने वाले हैं वो कौन से 5 खिलाड़ी हैं जो मुंबई इंडियंस की जो कमियां हैं अभी रिटेन्ड खिलाड़ियों की सूची को लेकर, उन कमियों को वो दूर कैसे कर सकते हैं और ये 5 खिलाड़ी क्यों मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2024 में आवश्यक हैं, इन सभी बातों पर हम गौर फरमाएंगे वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही अनुरोध है, यही आग्रह है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना प्यार बनाकर रखिए। उसके अलावा वीडियो को शेयर करना हो तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक अपडेट से आप अवगत रहें, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। वहीं अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अपना ये खूबसूरत काम कर दिया हो तो आइए देख लेते हैं वीडियो में क्या है चीजें, क्यों मुंबई इंडियंस 5 खिलाड़ियों को अपने नाम करने चाहती है, वो कौन से 5 खिलाड़ी हैं पहले उन पर गौर फरमाएंगे। लेकिन वो कौन से 5 खिलाड़ी होने वाले हैं उन पर गौर फरमाने से पहले ये हम समझने का प्रयास करेंगे कि भैया रिटेन्ड खिलाड़ियों की सूची क्या है, उसका ब्रेकअप क्या है, फिर वहां से हम लोग प्लेइंग 11 का निर्माण करेंगे कि इस रिटेन्ड खिलाड़ियों से प्लेइंग 11 क्या बनकर आ रहा है, फिर उस प्लेइंग 11 में क्या कमियां हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम कहने जा रहे हैं या क्यों हम कह रहे हैं कि इन 5 खिलाड़ियों पर मुंबई इंडियंस दाव खेलने वाली है ऑप्शन टेबल पर, ये 5 खिलाड़ी इनकी कमियों को दूर करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिटेन्ड खिलाड़ियों का ब्रेकअप क्या है। यहां पर आप बल्लेबाजों की सूची में देख सकते हैं, एक से एक विध्वंसक बल्लेबाज पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद हरफन मौला खिलाड़ियों की सूची में देखेंगे तो हार्दिक पांड्या का नाम आपको शामिल दिखेगा, यहां पर रोमारियो सेफर्ड को भी ट्रेड किया गया लखनऊ सुपर जायंट से। वहीं अगर गेंदबाजों की सूची में देखेंगे तो पीयूष चावला, जसप्रीत बुमराह, जसन बहनड्रॉप, कुमार कार्तिकेय, आकाश माधवाल के रूप में एक संकुचित गेंदबाजी विभाग है। तो ये पूरा ब्रेकअप है आपके स्क्रीन पर, आप इसको नाम रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके झोली में पैसे कितने बचे हैं, 17.5 करोड़ पैसे बचे हुए हैं इनके झोली में, और इसी के दम पर इनको अपनी कमियों को दूर करना है, जो कमियां हम देखने वाले हैं अपने इस वीडियो में। अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो ये प्लेइंग 11 आपकी स्क्रीन पर है। रोहित शर्मा, ईशान किशन ओपन करेंगे, नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, 4 पर तिलक वर्मा, 5 पर हार्दिक, 6 पर टिम डेविस, 7 पर निहाल वधेरा, पीयूष चावला 8 पे, 9 पे जसप्रीत, 10 पे जेसन बैंड्रॉप, 11 पे आकाश माधवाल। ये सिर्फ और सिर्फ रिटेन्ड खिलाड़ियों में से प्लेइंग 11 बनाया गया, यानी कि अभी ऑप्शन टेबल पर जिन खिलाड़ियों को ये अपने नाम करेंगे उसके हिसाब से प्लेइंग 11 में बदलाव होगा। ये हमने देखने का प्रयास किया कि क्या रिटेन्ड खिलाड़ियों की सूची से इनकी प्लेइंग 11 बन सकती है या नहीं बन सकती है, बन भी जाएगी तो इस प्लेइंग 11 में क्या कमी है उसको देखने का प्रयास किया है। तो ये प्लेइंग 11 है कहां से, रिटेन्ड खिलाड़ियों की सूची से जो अभी अवेलेबल प्लेयर हैं उसमें से। अब बात कर लेते हैं कि भैया कमी क्या है, ये प्लेइंग 11 तो बन गया, काफी मजबूत प्लेइंग 11 दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद क्या इसमें कमी है क्या। तो अगर आप प्लेइंग 11 में देखोगे तो मात्र 5 गेंदबाज इनके पास बनकर आ रहे हैं। यहां पे आकाश माधवाल, बहनड्रॉप, जसप्रीत बुमराह, पीयूष चावला 4 स्पेशलिस्ट गेंदबाज और हार्दिक पांड्या को लेकर 5 गेंदबाज हो पा रहे हैं। तो हार्दिक पांड्या एकमात्र इनके पास स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर हो जाते हैं, जिस कारण 6ठा विकल्प इनके पास नहीं हो पा रहा है। यानी कि इतने बड़े टूर्नामेंट में आप यही चाहते हो कि हर एक पिच पर आपको 6th बॉलिंग ऑप्शन रहे। आपने रोहित शर्मा की कप्तानी देखी होगी तो वो
बड़े टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम के लिए 6 बॉलिंग ऑप्शन को ही प्रिफर कर रहे थे हार्दिक पांड्या को लेकर। तो यहां पर भी यही चाहेंगे रोहित शर्मा कि हार्दिक पांड्या के अलावा भी एक ऐसा अगर हरफन मौला खिलाड़ी मेरे पास हो जाए जो छठा बॉलिंग ऑप्शन मुझे दे दे, तो फिर टीम में और सुदृढ़ता मौजूद हो जाएगी और मेरा विकल्प मजबूत हो जाएगा। तो हार्दिक पांड्या के अलावा कोई और ये हरफन मौला खिलाड़ी जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वहां पे अर्जुन तेंदुलकर आपको दिखेंगे, रोमारियो सेफर्ट दिखेंगे, लेकिन बहुत ही मजबूत ऑलराउंडर नहीं है। तो इनके अलावा भी और ऑलराउंडरों को लेने का प्रयास मुंबई इंडियंस कर सकती है। अगर हम बात करें इनके दूसरे कमी के बारे में, तो इनका जो गेंदबाजी विभाग है वो काफी संकुचित है, और खासकर पेस डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपको बस बुमराह, बहनड्रॉप, आकाश माधवाल 3 पेसर दिख रहे हैं, यानी बैकअप के नाम पे नील बटा सन्नाटा है, यानी कि बैकअप मौजूद नहीं है। और आपको भी पता है कि गेंदबाजी विभाग में बैकअप रहना बहुत ही आवश्यक होता है, और वो भी बैकअप काफी मजबूत होना चाहिए कि किसी भी गेंदबाज को कभी भी चोट लग सकता है। और बुमराह जैसे गेंदबाज अगर आपके पास हो, बहनड्रॉप जैसे गेंदबाज आपके पास हो जो अक्सर चोटिल होते रहते हैं, तो फिर बैकअप की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। उसके ऊपर से आपको ऐसा भी चाहिए कि माधवाल के पास अभी उतना अनुभव नहीं है, तो आपको अनुभव भी यहां पर जोड़ना पड़ेगा जो कि जसप्रीत बुमराह का साथ दे सके और निर्भरता घट सके जसप्रीत बुमराह के ऊपर से। यानी कि एक तो बैकअप मौजूद नहीं है तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, जसप्रीत बुमराह के ऊपर से निर्भरता घटाने का प्रयास करेंगे, यानी कि अच्छे खासे गेंदबाजी सेक्शन में ये दाव खेल सकते हैं अच्छे खासे गेंदबाज के ऊपर, और अच्छा खासा अमाउंट खर्च करने के लिए ये तैयार होंगे, क्योंकि इन्होंने जोफ्रा आर्कर, क्रिस जॉर्डन, बड़े बड़े नामों को, रिले मेरेडिथ, बड़े बड़े नामों को यहां पर अपने स्क्वाड से छुट्टी की हुई है। वहीं अगर हम बात करें तीसरे इनके कमी के बारे में, तो वो है पीयूष चावला। पीयूष चावला के ऊपर, पीयूष चावला कमी नहीं है, स्पिन गेंदबाजी अगर आप देखोगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ पीयूष चावला के ऊपर निर्भरता है। अगर आप पीयूष चावला का एज देखेंगे तो करीबन 42 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं, तो हर साल उसी कंसिस्टेंसी से, उसी लय से, उसी फ्लेक्सिबिलिटी से गेंदबाजी कर पाना एक बड़ा टास्क रहेगा पीयूष चावला के पास। हालांकि पिछले साल बहुत ही बेहतरीन पीयूष चावला ने गेंदबाजी की थी, बड़े बड़े दिग्गज स्पिन गेंदबाजों को पीछे कर दिया था, वो अलग बात है, लेकिन क्या इस साल फिर से वही पीयूष चावला दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो पूरी तरीके से निर्भर होना पीयूष चावला के ऊपर ये घातक साबित हो सकता है मुंबई इंडियंस के लिए, और इतने बड़े टूर्नामेंट में इतनी बड़ी टीम मैनेजमेंट इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती है। तो वो जरूर एक बैकअप लेकर चलेंगे कि पीयूष चावला का के रूप में एक बैकअप रहे, कि अगर पीयूष चावला का फॉर्म ना दिखे या कुछ हो तो हम पीयूष चावला की जगह एक अच्छे स्पिन गेंदबाज को खिला सकते हैं टीम में, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े स्पिनरों को छुट्टी की है। यहाँ पे बस कुमार कार्तिकेय ही दिख रहे हैं और बाकी कोई भी स्पिन गेंदबाज में अच्छा खासा स्पिनर आपको नहीं दिखेगा। अब बात कर लेते हैं कि भैया ये तो चीजें हो गई, इनके बल्लेबाजी में क्या कोई कमी है? इनके बल्लेबाजी में कोई भी कमी नहीं है, ये सबसे लीडल, सबसे विध्वंसक बल्लेबाजी अटैक है और यही इनका स्ट्रेंथ है। तो यहां पर वो उतना जोर आजमाइश नहीं करने वाले हैं, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ तेज गेंदबाजी विभाग में अगर एकाक ऑलराउंडर मिल जाए तो उसको कब्जा करने का प्रयास करेंगे, और एकाक बढ़िया पेस गेंदबाज और खासकर जो डेथ ओवर में गेंदबाजी कर ले उसके ऊपर दाव खेल सकते हैं। ये कमियां थी जो हमने देखी हैं। अब देख लेते हैं कि उन कमियों के भरोसे किन किन खिलाड़ियों को ये अपने नाम करने का प्रयास करेंगे कि ऑक्शन टेबल से जब वो बाहर निकले और आईपीएल 2024 में खेलने जाएं तो उनका जो प्लेइंग 11 हो काफी सुदृढ़ दिखे। हार्दिक पांड्या को लाए तो ऐसा प्लेइंग 11 बनकर सामने आ जाए कि कहीं भी कमी नजर ना आए, तो वो करने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले खिलाड़ी के ऊपर जिसके ऊपर दाव खेल सकते हैं और काफी सस्ते में इनको वो खिलाड़ी मिल सकता है, क्योंकि इनको बजट के ऊपर भी ध्यान देना है, 17.5 करोड़ मात्र बजट बचा हुआ है हार्दिक पांड्या को लेने में, काफी ज्यादा इन्होंने बजट खर्च किया हुआ है। हालांकि इन्होंने कैमरून ग्रीन को भी ट्रेड किया जिस वजह से थोड़ा बहुत चीजें संतुलित हुई हैं, फिर भी बजट एक कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा मुंबई इंडियंस के लिए। तो क्वेडजे को ये अपने नाम कर सकते हैं, और क्वेडजे हालांकि डेथ ओवर में तो गेंदबाजी करने में विफल रहेंगे, उतना अनुभव नहीं है, लेकिन मिडिल ओवर्स में विकेट निकाल कर दे सकते हैं, विकेट टेकिंग गेंदबाज है, बैकअप के तौर पर ये रहेंगे टीम में। हालांकि प्रमुख प्लेइंग 11 में जरूर जगह नहीं बना पाएंगे, लेकिन सस्ते में अगर मिल जाते हैं क्वेडजे तो जरूर ही रखने का प्रयास करेंगे कि जैसन बहनड्रॉप को अगर चोट लगा, बुमराह को चोट लगा, आकाश माधवाल नहीं अवेलेबल हुए
तो क्वेडजे रहे जो कि बाउंसर से परेशान कर सकते हैं और विकेट लाकर इनको दे सकते हैं। तो क्वेडजे के ऊपर ये दाव चल सकते हैं, एक बैकअप का ऑप्शन तैयार कर सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरे विकल्प के रूप में तो मिचेल स्टार्क को भी ये अपने टीम में रखने का प्रयास करेंगे। हालांकि कठिन टास्क है क्योंकि स्टार्क काफी लंबी बोली में जाने वाले हैं और इतनी बड़ी बोली लगाने के मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है मुंबई इंडियंस के पास। मगर अगर छोटी बोली लगी मिचेल स्टार्क के ऊपर, क्योंकि स्टार्क के साथ रहता है कि ये पूरे आईपीएल संस्करण के लिए उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे, आज इस आईपीएल संस्करण में खेले, अगले इस आईपीएल संस्करण में नहीं खेले, इनके साथ ये समस्याएं रहती हैं जिस कारण फ्रेंचाइजी इनके ऊपर विश्वास नहीं करते। तो जिस कारण अगर ये सस्ते में मिले तो मिचेल स्टार्क को ये जरूर अपने नाम करने का प्रयास करेंगे। फिर पूरी की पूरी डिपेंडेंसी हट जाएगी जसप्रीत बुमराह के ऊपर से। इनको डेथ ओवर में जसप्रीत बुमराह का साथी मिल जाएगा और जोफ्रा आर्कर का बेस्ट रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, एक ऐसा गेंदबाज जो कि कुछ ओवर कुछ बल्लेबाजी में भी उपयोगी साबित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे खिलाड़ी के बारे में। इनका नाम है वानिडू हसरंगा। हसरंगा इस बार चर्चाओं में रहेंगे और खासकर दो टीमें इनके ऊपर काफी ज्यादा दाव खेलने वाली है, एक तो मुंबई इंडियंस, दूसरा आरसीबी खुद। आरसीबी ने इसलिए रिलीज किया हुआ कि सस्ते में इनको पा जाए, लेकिन मुंबई इंडियंस भी इनके ऊपर दाव खेल सकती है क्योंकि चावला है। चावला बहुत लंबा कैरियर नहीं है और उनका इस साल भी क्या प्रदर्शन रहेगा किसी को नहीं पता, तो पूरी तरीके से निर्भर नहीं रह सकते हैं। एक ऐसा विकेट टेकिंग गेंदबाज जरूर मुंबई इंडियंस चाहेगा जिसके पास अनुभव हो, जो कि विकेट लाकर दे सके, और वानिडू हसरंगा जैसा स्पिनर मिल जाए, लेग स्पिनर, फिर क्या ही कहने, सोने पर सुहागा हो जाएगा मुंबई इंडियंस के लिए। कुछ बल्लेबाजी भी ये कर ले जाएंगे और ये जो टीम है काफी मजबूत हो जाएगी अगर हसरंगा मुंबई इंडियंस के नाम हो जाते हैं। तो हसरंगा के ऊपर भी दाव चलने का प्रयास करेगी मुंबई इंडियंस। हालांकि हो पाएंगे इनके नाम या नहीं हो पाएंगे अलग बात है, और अगर हसरंगा ना हो पाए तो मुजीबुर रहमान के ऊपर भी दाव चल सकती है। एक ऐसा स्पिनर जरूर इनके पास होना चाहिए और ये खुद इनका टीम मैनेजमेंट सोच रहा होगा कि शायद एक स्पिनर और आ जाता तो अच्छा खासा अनुभव वाला, तो हमारा थोड़ा सा स्पिन गेंदबाजी मजबूत हो जाता, तो मुजीब के साथ भी जा सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाएंगे कि अगर पर्स में पैसे नहीं बचे तो एक आख स्पिनर बैकअप के तौर पर रख सकते हैं कि पीयूष चावला न चले तो कम से कम इस साल का काम हो जाए मुजीब को रखकर। तो अगर हसरंगा के लिए पैसे नहीं बचता है तो मुजीब के साथ ये टीम में जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पांचवें खिलाड़ी के बारे में, तो इनका नाम है शार्दुल ठाकुर। इनके ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकती है मुंबई इंडियंस, क्योंकि अगर इनको अपना जो हल्फर मौला खिलाड़ियों की सूची है जहां पर सिर्फ और सिर्फ पांच गेंदबाज बच रहे हैं, वहां पर सुदृढ़ता लानी है, तो वही जो भारतीय टीम में काम हो रहा था हार्दिक पांड्या पर प्लस शार्दुल ठाकुर को रखकर, वही काम मुंबई इंडियंस के साथ भी रोहित शर्मा कर सकते हैं। शार्दुल ठाकुर को रखकर अपनी टीम में हार्दिक पांड्या प्लस शार्दुल ठाकुर के साथ सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन का काम भी किया जा सकता है। तो शार्दुल ठाकुर के साथ मुंबई इंडियंस जा सकती है, जिस कारण जो हरफन मौला खिलाड़ियों की सूची में थोड़ी सी डिपेंडेंसी है हार्दिक पांड्या के ऊपर वो कम हो जाएगी और काफी फ्लेक्सिबिलिटी मुंबई इंडियंस की टीम में आ जाएगी। तो ये पांच खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर दाव खेल सकती है मुंबई इंडियंस, और इन खिलाड़ियों के आने से काफी मजबूत, काफी सुदृढ़ और काफी लीडर प्लेइंग 11 बन जाएगा, जिसको हरा पाना काफी मुश्किल हो जाएगा, और आईपीएल ट्रॉफी छठी बार MI अपने नाम इन पांच खिलाड़ियों के भरोसे कर सकती है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन से खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस जरूर अपनी टीम में रखना चाहेगी हर एक कीमत पे, और किस खिलाड़ी को वो बैकअप के तौर पर रख सकते हैं कि अगर ये खिलाड़ी नहीं तो ये खिलाड़ी टीम में रहेगा तो काम चल जाएगा। तो ये रिपोर्ट में बस इतना ही था कि हमने देख लिया कि क्या क्या कमियां हैं, किन किन खिलाड़ियों पर दाव चल सकते हैं और किन किन खिलाड़ियों को अपने नाम करने का प्रयास मुंबई इंडियंस ऑक्शन टेबल 2024 पे कर सकता है। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।